नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड में क्रेजी फैंस के बारे में तो आए दिन कई किस्से सुनने को मिल जाते हैं, जिनके स्टार्स के साथ साथ कुछ न कुछ क्रेजी कहानी भी होती है। वहीं हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से जुड़ा एक ऐसा ही वाक्या सामने आया है। एक शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए उस वाक्य के बारे में बताया था जब उसने प्रियंका से शादी कर ली थी। वहीं इस शख्स ने प्रियंका के साथ एक फ़ोटो भी शेयर की है। हालाँकि ये मामला सीरियस नहीं है बल्कि काफ़ी फनी है। इस शख्स का कहना है कि उसने प्रियंका चोपड़ा से साल 2014 में शादी की थी। दरअसल ब्रैंडन सचेस्टर नाम के एक शख्स ने प्रियंका चोपड़ा को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। ब्रैंडन के इस पोस्ट को अमेरिकन एक्ट्रेस क्रिसी टेगन ने बकायदा ट्वीट कर शेयर किया और इस पोस्ट में ब्रैंडन ने प्रियंका के साथ एक फोटो शेयर की है जिसमें प्रियंका के गले में फूलों का हार नजर आ रहा है और वो मुस्कुराते हुए ब्रैंडन से बात कर रही हैं। इस फोटो के साथ जो किस्सा ब्रैंडन ने बताया वो फनी तो है लेकिन चौंकाने वाला भी। जी हाँ, ब्रैंडन ने बताया कि साल 2014 में मैंने प्रियंका चोपड़ा के साथ शादी की थी। मैंने तंपा में आयोजित एक इवेंट के दौरान उनके स्वागत के लिए उन्हें दो फूलों की माला पहनाई थी और मुझे इसकी खबर नहीं थी कि इसके भारतीय सभ्यता में शादी का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद भारतीय मीडिया में हड़कंप मच गया था। मैं अगले दिन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहा था। तो बता दें कि ब्रैंडन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सभी इस वाक्य के बारे में जानकर हैरान हैं। अब देखना होगा कि खुद प्रियंका चोपड़ा और उनके हब्बी निक जॉनस का इस पर क्या रिएक्शन आता है। वैसे आपके इस पर क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बॉलीवुड से जुड़ी हर क्रिस्पी खबर के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।